हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। स्पर्म के स्ट्रक्चर के साथ साथ हम एक और चीज़ भी यहाँ पर पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे सीमेन के बारे में। तो ये वीडियो होने वाली है स्पेशली अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म एंड द सीमेन के बारे में, कि सीमेन और स्पर्म में क्या डिफरेंस होता है। और जो ओजेनेसिस वाला पार्ट है वो हमारी नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्पर्म के बारे में। अब स्पर्म का डायग्राम जो यहाँ पर दे रखा है, तो ये एनसीईआरटी का डायग्राम जो है ये मिनिमम और लेबलिंग्स के साथ है। दरअसल इसमें हम थोड़ी सी लेबलिंग को और थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन वो हम टेक्स्ट जब पढ़ेंगे एनसीईआरटी का, एक तो वहाँ तो करेंगे, थोड़ा सा हम एक और चीज़ पढ़ेंगे कि जो स्पर्म होता है वो जो उसके अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स हैं उसके कुछ अलग अलग ओरिजिन्स के बारे में भी पढ़ेंगे। कौन सा पार्ट कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, जो कि कभी कभार नीट में पहले पूछा गया है, तो वो भी हम कवर करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कि लेट अस एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। तो स्ट्रक्चर ऑफ द स्पर्म जो है इसके बारे में पढ़ने वाले हैं। इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, मतलब कि हमें नेकेड आई से नहीं दिखता है। ये एक स्पर्म को अगर हमें स्ट्रक्चर को पढ़ना है तो हमें माइक्रोस्कोप में देखना पड़ेगा। तो उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलता है, हमें एक हेड पार्ट मिलता है, एक नेक पार्ट मिलता है, एक मिडिल पीस मिलता है, टेल मिलता है, यानी कि टोटल हमारे पास चार पार्ट हमें देखने को मिले। कौन कौन से? हेड मतलब कि ये वाला रीजन, ये पूरा का पूरा हेड रीजन है। फिर उसके बाद नेक, ये जो पतला सा रीजन नेक है भाई। उसके बाद हम कह रहे हैं कि मिडिल पीस भी होता है, मिडिल पीस मतलब कि ये वाला, ये मिडिल पीस है। ठीक है, उसके बाद टेल, टेल में ये पूरा का पूरा ये वाला पार्ट, ये मतलब यहाँ से घूम करके इस तरीके से जो है ये टेल। तो देर आर टोटल फोर, जो चार पार्ट्स हैं हमारे वो इस तरीके से, तो हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल, तो चार पार्ट्स हो गए इसमें। क्योंकि हमने एक चीज़ पढ़ी थी लास्ट टर्न पे कि जब हमने ये पढ़ा था कि अल्टीमेटली जो ये डिवीजन होता है मियोसिस, तो अल्टीमेटली जो एक सेल होता है वो स्पर्मेटिड में कन्वर्ट होता है, जिसमें स्पर्मेटिड होता है और वो स्पर्मेटोजुआ यानी कि स्पर्म में कन्वर्ट होता है ना। तो अल्टीमेटली ये पता होना चाहिए कि जो ये स्पर्म जो बना है वो बना तो एक सेल से ही है, राइट। तो उसके ऊपर प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है। तो अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन एनवलप्स द होल बॉडी ऑफ द स्पर्म, पूरी की पूरी जो बॉडी होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड होती है, ये हमें पता होना चाहिए। इसका मतलब वो हेड में भी प्रेजेंट है, वो टेल में भी प्रेजेंट है, वो नेक, मिडिल पीस, सब जगह प्रेजेंट है। कौन? प्लाज्मा मेम्ब्रेन हर जगह प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम कह रहे हैं कि द स्पर्म हेड, हेड की स्पेसिफिक बात कर रहे हैं, कंटेन्स एन इलोंगेटेड मतलब कि थोड़ा सा लेंदी लंबा सा का एक हैप्लॉइड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पर हमें दिख भी रहा है, न्यूक्लियस कंटेनिंग क्रोमोसोमल मटेरियल। द एंटीरियर पोर्शन ऑफ विच मतलब कि न्यूक्लियस का एंटीरियर पोर्शन जो होता है, आगे वाला पोर्शन जो है ये वाला पार्ट, इज कवर्ड बाय अ कैप लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड द एक्रोसोम। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, तो यहाँ पर लेबलिंग भी कर रखा है एक्रोसोम। तो ये एक्रोसोम क्या होता है अभी समझ में आ जाएगा, बट एक छोटी सी डिटेल अब हम पढ़ेंगे एक्रोसोम के बारे में कि एक्रोसोम एक तो न्यूक्लियस से पहले प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियस के एंटीरियर पोर्शन पे, न्यूक्लियस से एंटीरियर, तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं ये एंटीरियर पोर्शन है स्पर्म का और ये हो गया हमारा पोस्टीरियर पोर्शन, तो न्यूक्लियस से एंटीरियर साइड पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, द एक्रोसोम इज फिल्ड विद द एंजाइम्स, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। क्या कहा है इसमें कि जो एक्रोसोम होता है उसके अंदर क्या भरे होते हैं बेटा? एंजाइम्स भरे होते हैं। ठीक, कौन से एंजाइम्स भरे होते हैं, क्या काम करते हैं वो पढ़ते हैं। दैट हेल्प द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात, जो एक्रोसोम है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं हमारे, हमें पता लग गया, एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन से एंजाइम होते हैं और क्या करते हैं? दरअसल ये जो एंजाइम्स होते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं क्या क्या करते हैं, उसके बाद उसका नाम पढ़ेंगे। नाम एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, ठीक है, लेकिन हम फिर भी पढ़ लेंगे। तो एंजाइम्स जो होते हैं वो जब एक ओवम, जो ओवम होता है ये रहा ओवम, और स्पर्म मान लीजिए इसमें एंट्री करने की कोशिश कर रहा है, तो एंट्री को हेल्प कराने के लिए कौन प्रेजेंट होता है? एक्रोसोम। तो इसका मतलब कि जो इसके एंजाइम्स हैं वो स्पर्म की जो, सॉरी, ओवम की जो लेयर है उसको डिसॉल्व कर देते हैं ताकि स्पर्म की एंट्री स्मूथ हो जाए। तो इसीलिए लिख रखा है दैट हेल्प द फर्टिलाइजेशन ऑफ द ओवम। तो फर्टिलाइजेशन में ओवम को फर्टिलाइज करने के लिए स्पर्म की हेल्प करते हैं, ठीक है, एक्रोसोम के एंजाइम्स। अच्छा, कौन से एंजाइम्स होते हैं? हेयालुरोनिडेज, हेयालुरोनिडेज, ये एक नाम का एंजाइम होता है। नाम थोड़ा सा लेंदी है पर कोई बात नहीं, यही नाम है।
हेयालुरोनिडेज नाम का एक एंजाइम है जो कि क्या करता है, उसके ओवम के चारों तरफ की जो मेम्ब्रेन है उसको डिसॉल्व कर देता है ताकि स्पर्म की एंट्री आसानी से हो सके। ठीक है, ओके। अब नेक रीजन जो है वो हेड और मिडिल पीस को कनेक्ट करता है, ये तो हमें पता ही चल गया। द मिडिल पीस पजेस, उसके पास होता है, पजेस मतलब होता है, न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया, उसके पास माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होते हैं, ये रहा न्यूमरस माइटोकॉन्ड्रिया विच प्रोड्यूस एनर्जी फॉर द मूवमेंट ऑफ टेल दैट फैसिलिटेट स्पर्म मोटिलिटी एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। तो इसके ये कहना चाह रहे हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ना, ये इसलिए प्रेजेंट है क्योंकि ये क्या प्रोड्यूस करेगा, आपने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, तो ये एटीपी प्रोड्यूस करता है, जिसको जो एटीपी जब माइटोकॉन्ड्रिया ने प्रोड्यूस कर दी, उस एटीपी को स्पर्म यूज करता है, वो अपनी मोटिलिटी के लिए, अपने मूवमेंट के लिए हेल्प करता है, और फिर फाइनली वो अपने मूवमेंट के थ्रू कहाँ पहुंच पाता है, ओवम के पास पहुंच पाता है ताकि वो उस ओवम को फर्टिलाइज कर सके। तो दैट मींस माइटोकॉन्ड्रिया इज हेल्पिंग स्पर्म, वो स्पर्म को हेल्प कर रहा है कि भाई तुम्हें हम एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि तुम फर्टिलाइजेशन का काम करो, एनर्जी हम प्रोवाइड करेंगे। तो माइटोकॉन्ड्रिया का वो एक फंक्शन है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और एक्रोसोम से रिलेटेड दो इंपॉर्टेंट बातें पढ़ने वाले हैं, हम थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। तो जो ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, तो ये क्या यूज करेगा, मतलब एनर्जी के लिए क्या यूज करेगा, एनर्जी कहने का मतलब ये है किस चीज को ब्रेक डाउन करके एनर्जी एटीपी को प्रोड्यूस करेगा। 11th क्लास में आपने ये पढ़ा है कि ग्लूकोज का यूज करता है कोई भी सेल, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करते हैं, उसमें से एनर्जी निकालते हैं, राइट। यहां पर ग्लूकोज का यूज नहीं होगा, किसका यूज होगा ये ध्यान होना चाहिए, यहां पर फ्रक्टोज का यूज होगा। इसका यूज होगा बेटा, फ्रक्टोज का यूज होगा। अच्छा, ये फ्रक्टोज कहां से आ गई, इसका मतलब स्पर्म को एनर्जी देने वाला फ्रक्टोज होता है, तो लेकिन फ्रक्टोज स्पर्म के अंदर नहीं होता, तो स्पर्म के अंदर नहीं है फ्रक्टोज, तो फिर कहां से। एक्चुअली में जो हमने ग्लैंड्स पढ़े थे, मैं थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ, ये वाले जो हमने ग्लैंड्स पढ़े थे, कौन कौन से, सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रा, ये पढ़े थे ना, इसमें से सेमिनल वेसाइकल जो होता है बेटा, ये फ्रक्टोज रिलीज करता है अपने सिक्रीशन के साथ साथ, ठीक है, अपने सिक्रीशन में फ्रक्टोज भी ऐड करता है। अब हमें पता है फ्रक्टोज को कौन यूज करेगा, स्पर्म का माइटोकॉन्ड्रिया यूज करेगा, ऑब्वियसली वो एब्जॉर्ब करेगा पहले मीडियम से और अपने अंदर, फिर उसको फ्रक्टोज को प्रोसेस करके उसको ब्रेक डाउन करके एटीपी प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब पता है क्या है, हमने इस चीज को यूज करा, इस जो हमें इंफॉर्मेशन मिली इसको हमने यूज करा, कहाँ यूज करा। देखिए, अगर कोई भी पर्टिकुलर ऐसा केस आता है, रेप केस आता है ना, कोई रेप केस आता है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसमें स्पर्म को डिटेक्ट करने का काम करते हैं, और हम एक टेस्ट करते हैं फ्रक्टोज का, कि भाई फ्रक्टोज अगर प्रेजेंट है तो इट इज कंफर्म्ड, कंफर्म हो जाएगा कि उस पर्सन के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ है। अच्छा, तो क्या स्पर्म का प्रेजेंस होना क्या कंपलसरी नहीं है। ठीक है, कभी कभी ऐसा होता है कि जो पर्सन है ना, जो जो ऐसा क्राइम करा है जिसने, हो सकता है वो एक इम्पोर्टेंट पर्सन, मतलब उसका स्पर्म रिलीज ना होता हो, मे बी उसका स्पर्म काउंट कम हो गया हो, या स्पर्म ए स्पर्मिया नाम की कंडीशन, मतलब उसका स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होता, मे बी स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होता, लेकिन सेमिनल प्लाज्मा, प्रोस्टेट और बल्बो यूरेथ्रा नाम के जो ग्लैंड्स है, ये कभी अपना फंक्शन करने से नहीं भूलते। तो उसको अगर कोई बीमारी भी है कि स्पर्म प्रोड्यूस नहीं हो रहे, स्पर्म कम प्रोड्यूस हो रहे हैं, लेकिन उसके एसेसरी ग्लैंड्स का फंक्शन चालू रहेगा, और फ्रक्टोज जो रिलीज हुआ है वो एसेसरी ग्लैंड से रिलीज हुआ है। तो इसका मतलब फ्रक्टोज की प्रेजेंस अगर फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में हो जाती है, कंफर्म हो जाता है कि देयर हैज बीन अ क्वाइट सेक्सुअल इंटरकोर्स, मे बी फोर्स्ड इंटरकोर्स, तो एक कंफर्मेशन मिलता है। इफ देयर इज नो फ्रक्टोज तो फिर अदर टेस्ट होते हैं, तो फिर वो करने पड़ते हैं, बट एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू है कि प्रेजेंस ऑफ फ्रक्टोज गिव्स दैट काइंड ऑफ अ कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, नाउ अब एक और, हाँ, एक्रोसोम के बारे में और पढ़ते हैं। एक्रोसोम जो होता है उसके बारे में ये पूछा था कि माइटोकॉन्ड्रिया तो आपको पता है, लेकिन एक्रोसोम कहाँ से आ गया, ये तो हमने किसी सेल में पढ़ा नहीं है। एक्चुअली में ये गोल्गी बॉडी होती है, गोल्गी बॉडी अपने आप को मॉडिफाई कर लेती है, किसमें, एक्रोसोम में, और एक्रोसोम फिर क्या रिलीज करता है, एंजाइम। तो इट्स बेसिकली गोल्गी बॉडी, इसको अब हम क्या बोल रहे हैं, मॉडिफाई करके एक्रोसोम बोल रहे हैं। ठीक है, गोल्गी बॉडी या गोल्गी कॉम्प्लेक्स और गोल्गी एपरेटस
व्हाटएवर यू वांट टू कॉल, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एक्रोसोम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द ह्यूमन मेल इजैक्यूलेट्स, मतलब कि रिलीज करता है ह्यूमन मेल अबाउट 200 टू 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वाइटस, ऑफ विच, मतलब एक टाइम में एक ह्यूमन मेल है, द ह्यूमन मेल रिलीजेस अराउंड लगभग लगभग 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स ड्यूरिंग अ क्वाइटस फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी। ये वैल्यू नॉर्मल फर्टिलिटी के लिए है। मान लीजिए कोई पर्सन है वो फर्टाइल नहीं है, तो फर्टाइल नहीं है तो उसका 200 से काउंट नीचे ही रहेगा और इजैक्यूलेशन काउंट कम ही रहेगा। अच्छा, लेकिन केवल और केवल नंबर होने से कुछ नहीं होता। मतलब कि अगर हम कहें कि भाई कोई 200 मान लीजिए 250 मिलियन स्पर्म्स रिलीज कर रहा है पर इजैक्यूलेशन, तो क्या हम गारंटी के साथ कह सकते हैं कि दैट पर्सन इज फर्टाइल, कि भाई जो वो पर्सन है उसका जो स्पर्म होंगे वो फर्टिलाइजेशन कर ही देगा? नहीं, ऐसा नहीं। यहाँ पर एक और डेटा दिया गया है कि जो जो 200 या 300 मिलियन स्पर्म्स हैं इसमें से 60% जो स्पर्म्स हैं, मतलब कि हाफ से भी ज़्यादा स्पर्म्स जो हैं, मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। बहुत सारे स्पर्म्स ऐसे होते हैं जो कि नॉर्मल शेप और साइज के नहीं होते, ठीक है, वो डैमेज प्रोड्यूस होते हैं। तो हम उनको कैसे काउंट कर लें कि जो फर्टिल और वो फर्टिलाइजेशन क्योंकि नहीं कर सकते जो डैमेज होते हैं, तो हम उनको काउंट ही नहीं करते। तो कहने का मतलब टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि 60% तो शेप और साइज, नॉर्मल शेप और साइज के होने ही चाहिए, तभी तो वो आगे जाके फर्टिलाइजेशन कर पाएंगे। ठीक है, अब ये जो 60% जो हैं इनमें से एटलीस्ट 40%, मतलब 60% का भी 40% क्या होना चाहिए, क्या शो करना चाहिए? विग्रस मोटिलिटी। विग्रस का मतलब बहुत तेज मूवमेंट शो करने चाहिए। ठीक है, अगर बहुत तेज मूवमेंट वो शो नहीं करेंगे तो प्रॉब्लम ये है कि बहुत लो चांस है कि वो आगे जाके कभी फर्टिलाइजेशन कर देगा। क्यों? लेट्स अंडरस्टैंड। इस पर्टिकुलर डायग्राम में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हम रेड बैंड का यूज करते हैं। देखिए, हमने पढ़ा है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है वो इस जंक्शन पे होता है, यहाँ, राइट? तो और वेजाइना, ये है एक्सटर्नल फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। तो स्पर्म्स जो रिसीव होंगे वो यहाँ पर रिसीव होंगे, राइट? या मैक्सिमम यहाँ पर जो ये ओपनिंग ऑफ सर्विक्स है वहाँ पर रिसीव हो जाएंगे। ठीक है, तो अब टेक्निकली बात करें अगर, तो स्पर्म को यहाँ से पूरा का पूरा पाथवे ट्रैवल करके जाना है, उसमें वो यहाँ भी जाएंगे इस साइड भी और उसमें वो इस साइड भी जाएंगे, क्योंकि स्पर्म को तो नहीं पता कि कौन सा, मतलब कौन सी ओवरी एक्टिव है, किस तरफ ओवम है एक्चुअली में जो फर्टिलाइजेशन करेगा। तो 50% जो स्पर्म्स होंगे वो लेफ्ट साइड जाएंगे, 50% राइट साइड जाएंगे। उसमें से जिस साइड होगा, मान लीजिए इस साइड राइट हैंड साइड पर, तो यहाँ पर वो जाके फर्टिलाइजेशन करेंगे। तो एक बहुत एग्रेसिव मोटिलिटी चाहिए मूवमेंट के लिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मूवमेंट्स वाला एक हमें स्पर्म चाहिए, तो उसी को हम बोल रहे हैं विग्रस मोटिलिटी। ठीक है, एक और चीज़, जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो हम ये कह देते हैं जनरली कि जो टोटल 100% स्पर्म्स हैं, हम जनरली एक मिस्टेक कर देते हैं कि हम कह रहे हैं कि भाई 100% स्पर्म्स हैं, ठीक है, उसमें से हमारा जो एनसीईआरटी बोलता है कि 60 और 40 का ये एक डेटा देता है। तो पता है जनरली क्या मिस्टेक हो जाती है हमसे पढ़ने में, कि हम कहते हैं कि भाई 60% का तो हमें चाहिए शेप और साइज सही, और 40% की तो मोटिलिटी चाहिए। तो 60 + 40 = 100, नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ये कहना चाह रहे हैं कि 100% यानी कि 200 से 300 मिलियन स्पर्म्स जो हम रिलीज करे थे उसमें से 60% तो नॉर्मल शेप एंड साइज के होने चाहिए, और इस 60% में से, इस 60% में से क्या होना चाहिए, उनकी एटलीस्ट उनकी जो मोटिलिटी है वो बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, तो शेप और साइज और मोटिलिटी वाला जो पॉइंट है तो हमें वो दोनों लेके चलने हैं। अगर किसी की मोटिलिटी बहुत बढ़िया है, शेप और साइज सही नहीं है, तो फिर वो वैलिड नहीं होगा। ठीक है, तो ये पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। इसके आगे बढ़ते हैं कि हमने शेप और साइज के बारे में पढ़ लिया कि हेड रीजन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये समझते हैं कि ये जो स्पर्म वाला, स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल यहीं डायग्राम में पढ़ लें, थोड़ी सी डिटेल है, ज़्यादा नहीं है। सबसे पहले जब ये प्लाज्मा, ये जब एक्रोसोम है, जब ये अपना एंजाइम यहाँ बाहर रिलीज कर देगा, उसके बाद ये जो न्यूक्लियस बचा है बेटा, ये वाला न्यूक्लियस, ये डायरेक्टली बाहर निकल के
स्पर्म की सॉरी ओवम के अंदर डायरेक्टली एंटर कर जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देख रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है, यहाँ पे लिखा एनर्जी फॉर स्विमिंग, तो स्विमिंग किसके लिए, स्विमिंग ऑफ स्पर्म, स्पर्म की स्विमिंग के लिए, और स्पर्म की स्विमिंग के लिए हेल्प कौन कर रहा है, टेल हेल्प कर रही है। तो स्पर्म्स जो मोटिलिटी शो करते हैं, मूवमेंट जो शो करते हैं, उसके मूवमेंट को हम क्या बोलते हैं, स्विमिंग बोलते हैं, और स्विमिंग वो किसकी मदद से करते हैं, टेल की मदद से करते हैं, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। तो मिडिल पीस में पूछा जाता है एक्चुअली कि कौन सा स्ट्रक्चर मिडिल पीस में प्रेजेंट है, तो जनरली हमें ये आंसर देना है कि मिडिल पीस में भाई हो सकता है कुछ और भी प्रेजेंट हो, मेन इंपॉर्टेंट इज माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया मेनली प्रेजेंट होता है जो कि हमारे काम का है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में ध्यान, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, तो यहाँ पर ये बताया गया है कि जो केवल और केवल अगर आप ये कह रहे हो कि भाई स्पर्म्स के बारे में आप बात कर रहे हो, स्पर्म्स के बारे में जो मतलब जो सेल हो गया जो मोटिलिटी वगैरह शो करेगा, वो अकेले फर्टिलाइजेशन करने की कैपेबल नहीं, वो फिर ये हमने पहले ही पढ़ा है, स्पर्म के साथ क्या होना चाहिए, सेमिनल प्लाज्मा होना चाहिए, तब जाकर के हम उसको क्या बोलते हैं, सीमेन। तो ये सीमेन है, ये सीमेन जो होता है ये कैपेबल होता है फर्टिलाइजेशन, अकेला स्पर्म फर्टिलाइज नहीं कर सकता, अकेला सेमिनल प्लाज्मा फर्टिलाइजेशन नहीं कर सकता, इन दोनों का जब एक कॉम्बिनेशन बनेगा जिसको हम बोलते हैं सीमेन, वो एक कैपेबिलिटी रखता है फॉर द फर्टिलाइजेशन। तो पढ़ते हैं इसके आगे, स्पर्म्स रिलीज्ड फ्रॉम द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय द एसेसरी डक्ट्स, हम उसको एसेसरी डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट करते हैं। एसेसरी डक्ट्स कौन से हैं अगर आपको नहीं पता तो हमें डायग्राम में वापस जाना पड़ेगा, वैसे पता होना चाहिए बट जस्ट इन केस, ये रहे रेटिटेस्टिस, वास्ता एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, ये सारे के सारे हमारे, ये देखिए रेटिटेस्टिस, वास्ता एफरेंशिया, एपिडिडाइमस, इस पर्टिकुलर में आपको डायग्राम में दिख जाएंगे, ये सारे हमारे क्या है, एसेसरी डक्ट्स, ठीक है। हाँ, तो एसेसरी डक्ट्स के थ्रू ट्रांसपोर्ट होते हैं, ठीक है। सिक्रीशंस ऑफ एपिडिडाइमस, अब जो एपिडिडाइमस एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, फिर वास्ट डेफरेंस, सेमिनल वेसाइकल अपना सिक्रीशन देते हैं, प्रोस्टेट अपना सिक्रीशन करता है, और बल्बो यूरेथ्रा ग्लैंड भी अपना सिक्रीशन करता है, यहाँ पे लिखा नहीं है पर कोई प्रॉब्लम, आर एसेंशियल फॉर द मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, ठीक है। तो ये जरूरी है मोटिलिटी और स्पर्म की मैच्योरेशन के लिए, अगर बल्बो यूरेथ्रा का सिक्रीशन नहीं मिला तो भी कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली में, क्योंकि वो लुब्रिकेशन का काम करता है, तो हमें तो बेसिकली एक्टिवेटेड स्पर्म चाहिए, तो लुब्रिकेशन तो बाद में हो जाएगा, ठीक है, लुब्रिकेशन तो बाद का काम है, वो इतनी बड़ी बात नहीं, लेकिन एपिडिडाइमस का सिक्रीशन, वास्ट डेफरेंस का सिक्रीशन, सेमिनल प्लाज्मा जो हमने बोला है कि सेमिनल वेसाइकल, प्रोस्टेट, इनका सिक्रीशन हमें चाहिए, क्यों चाहिए, ताकि स्पर्म जो है वो मैच्योर हो जाए और उसके अंदर एक गुड सेंस ऑफ मोटिलिटी, एक अच्छी मोटिलिटी उसके अंदर आ जाए, अच्छे से मूव करने लगे। द सेमिनल प्लाज्मा जो कि हमने बोला कि तीनों के सिक्रीशन को बोलते हैं, अलॉन्ग विद द स्पर्म कॉन्स्टिट्यूट द सीमन, देखिए यही बात को हमारी एनसीईआरटी ने वर्ड्स में लिख रखा है, द फंक्शंस ऑफ द मेल सेक्स एसेसरी डक्ट्स एंड ग्लैंड्स आर मेंटेन्ड बाय द टेस्टिकुलर हार्मोन्स एंड्रोजन्स। अब ये जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हैं, इनके फंक्शन को मेंटेन करने के लिए, इनके फंक्शन को प्रॉपरली रेगुलेट करने के लिए कौन है, ये यहाँ पर हमारी एनसीईआरटी बता रही है कि कौन रेगुलेट करता है, एंड्रोजन्स जो हमारे बॉडी में प्रेजेंट होते हैं, एंड्रोजन्स रेगुलेट करते हैं, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, यू हैव एनी फर्दर क्वेश्चंस प्लीज कमेंट बिलो।